हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन शेयर टिप्स डॉट कॉम। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर कहां कहां पे इन्वेस्ट कर रखा है, किन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और आप उससे क्या सीख ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, और साथ में हमारा क्या टेक है उनके द्वारा इन्वेस्टेड स्टॉक्स के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल मूव अहेड। और उससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और अपने बाकी के ग्रुप्स में भी भेजें, सो डैट ये कम्युनिटी बढ़ता जाए और चलता रहेगा ये कारवां। मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक, तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर तकरीबन 1.93 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन इंडियन स्टॉक मार्केट। और हम आपको बताने वाले हैं उन स्टॉक के नाम और उसके अंदर कितना कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। वेल, सिंगापुर गवर्नमेंट ने जिन जिन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रोमिनेंट अमंग देम आर लार्सन एंड टूब्रो, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, देन एक्सिस बैंक, कोटैक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इसने फाइनेंशियल सेगमेंट्स के अंदर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हम आपको आगे लास्ट स्लाइड के ऊपर ले जाकर के बताएंगे कि इसने कितना अमाउंट किस स्टॉक में किया है और हमारा टेक क्या है, उस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब एक पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है तब ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादा उतार चढ़ाव ना आ जाए। ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाएगा तो वो आपको रातों की नींद से डिस्टर्ब कर सकता है। चूंकि आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, आपका छोटा पोर्टफोलियो होगा, छोटा क्वांटम ऑफ अमाउंट होगा, तो उसमें क्या आप कर सकते हैं जिससे कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले। अब सिंगापुर वाला क्यों नहीं ज्यादा रिटर्न के पीछे भाग सकता, क्योंकि उसको ये देखना है कि मेरे कंट्री का जो पैसा है वो सेफ रहना चाहिए। क्योंकि जब आप ज्यादा रिटर्न के पीछे भागते हैं तो उसमें ये डर रहता है कि कहीं वो पोर्टफोलियो 50% नीचे भी ना गिर जाए। नेक्स्ट उसके पास है एयरटेल, पावर ग्रिड एंड मैक्स हेल्थ केयर। तो बेसिकली इसका पोर्टफोलियो अगर देखें तो ये फाइनेंशियल सेगमेंट में हैवी है विद एनबीएफसी एंड बैंकिंग स्टॉक्स, और आपको स्टॉक्स के नाम हमने बता दिए। तो अगर हम देखें कि एज ऑन 28 जुलाई इसका पोर्टफोलियो तकरीबन 1.93 लाख करोड़ रुपए का है, एंड हम अब आपको मेन फोटोग्राफ के ऊपर ले जाते हैं जिसके अंदर सारा पोर्टफोलियो का डाटा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर से अवेलेबल है और वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एज अ रिटेल ट्रेडर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या यह आप इसका सिंगापुर गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो मिमिक करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं? तो याद रखें कि इसका पोर्टफोलियो अच्छा है, पर यह है वो हाथी की तरह जो कि चलेगा, आराम से चलेगा, रिटर्न भी देगा, आपके एफडी के रिटर्न्स को बीट करेगा, पर रिमेंबर डैट बिग एलिफेंट्स कैन नॉट डांस। तो हम आपको इसमें से बताएंगे कि इन चुनिंदा स्टॉक्स में से आपको कौन कौन से स्टॉक लेने चाहिए सो डैट यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले इसका मेजर है 30,500 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट है बजाज फाइनेंस के अंदर। तो एनबीएफसी बजाज फाइनेंस हमारा भी फेवरेट है, आप इस स्टॉक में बिंदास होकर के पैसे लगा सकते हैं, पर रोज रोज इसको देखना नहीं है, एक बार पैसे लगा दिए और फिर आप आराम से तसल्ली से बैठ जाएं और इसको देखें एक साल के नजरिए से कम हर साल देखें, 5 साल और 10 साल के नजरिए से देखें, तो ये स्टॉक आपको अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद कर सकता है। क्योंकि ये ग्रो करेगा, ओनली चैलेंजेस के जियो भी अब फाइनेंशियल सर्विसेज में आ गया है, तो वो इसको कितना इम्पैक्ट करेगा वो आने वाला समय ही बताएगा। बट एज ऑन डेट बजाज फाइनेंस लीडर है इस सेगमेंट का और आप इसका फायदा उठा सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं रिलायंस। रिलायंस के पीछे जो एक हवा थी कि इसमें डी मर्जर होगा और वैल्यू अनलॉकिंग होगा, तो वो हो गया है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उसमें से अलग हो गया है, उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस का मार्केट ने निकाला है। तो ये वाला वो हाथी है जो कि मेगा हाथी है, आपकी रिटर्न को बरकरार रखेगा। पर आप बोले कि इसमें जादू हो जाए तो वो नहीं होगा, आपके फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स को ये बीट करेगा, पर आपको एज अ मल्टीवैगर स्टॉक बन करके नहीं दिखाएगा। तो अगर आप इस स्टॉक को इवन छोड़ भी देंगे तो नो हेल इज गोइंग टू ब्रेक। नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक। हमें ये बैंक पसंद है क्योंकि इसकी काफी अग्रेसिव स्ट्रेटजी है, आप इस बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट कम्स एचडीएफसी बैंक। पिछले 2 से 3 साल के बीच में एचडीएफसी बैंक ने कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया। इनका मर्जर होने वाला था बिटवीन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, वो भी मर्जर हो चुका है। पर अगर आप एक वो इन्वेस्टर हैं जो चैन की नींद सोना चाहते हैं कि मेरा पैसा सेफ रहे, तो आप एचडीएफसी बैंक में लगा करके आराम से सो सकते हैं। आपकी एफडी से ज्यादा रिटर्न देगा और ये चमत्कार चलता रहेगा, इन द सेंस कि स्लो एंड स्टेडी एचडीएफसी बैंक आपको रेस जिता देगा, पर ये धीरे चलेगा एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। पर एचडीएफसी बैंक हमें अच्छा लगता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत अच्छा लगता है और वो भर भर के एचडीएफसी बैंक को खरीदते हैं। पर याद रखें, जब बिकवाली आती है तो वो भर भर के एचडीएफसी बैंक को ही बेचते हैं, जिसके कारण ये बैंक फिर से लुढ़क जाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, यू कैन गिव सम पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट टू एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट आता है लार्सन एंड टुब्रो। आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छा रिटर्न देगा, आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखेगा। अगर बियर मार्केट आ गई तब भी आप चैन की नींद सो सकते हैं। इंफोसिस। इंफोसिस वो स्टॉक है जो सर्विस सेक्टर में है, आईटी में। आईटी इस समय फ्लेवर में नहीं है, पर ये सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इंडिया का इंफोसिस हो या टीसीएस हो, वो है सपोर्टिंग रोल में टू द मेन कंपनी जो अमेरिका में है। तो अमेरिका में कोई ये नहीं पूछता कि आपका ये काम किसने किया, इंफोसिस ने किया या टीसीएस ने किया या किसी और ने किया। तो क्रेडिट अमेरिकन कंपनीज को ही जाता है, पर इनको अपने शेयर का हिस्सा मिल जाता है। तो एज ऑफ नाउ आईटी फ्लेवर में नहीं है, ये फ्लेवर हो सकता है चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेव के आने के कारण। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा समय दे करके देख सकते हैं कि क्या इसमें ऊपर का मोमेंटम आना शुरू हुआ या नहीं हुआ। अगर छोड़ भी देंगे तो कोई आफत नहीं है, बिकॉज देयर आर बेटर आईटी स्टॉक्स अवेलेबल विद अस। हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो है जिसको आप ले करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं और यू कैन मूव टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल गोल्स इजीली। नेक्स्ट आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये स्टॉक आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर वो स्टॉक है जिसने ऑलरेडी 50% प्लस मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है, इसके पास अब एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है। तो इस स्टॉक को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक्सिस एसबीआई। एसबीआई बैंक आप एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक ले सकते हैं, तो आप आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस में से 2 बैंक ले लीजिए। एक्सिस को अगर छोड़ भी देंगे या उधर से आईसीआईसीआई या एचडीएफसी में से किसी को छोड़ देंगे तो वन एंड द सेम ही है, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में काम कर रहे हैं, रिटेल लोन से कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट लोन्स एंड रिटेल लोन्स इनका फोर्टे है। तो ये ऑलमोस्ट सेम गति से मूव करेंगे, कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज्यादा। एयरटेल। एयरटेल और जियो ने ड्यूपोली मार्केट क्रिएट कर दिया है, और अगर आपको इसको मिस भी कर जाएं और फिर भी ये आगे बढ़ जाए तो चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज यू विल बी इन्वेस्टेड इन मच बेटर पोर्टफोलियो देन द स्टॉक एयरटेल। ये अभी ज्यादा
इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया कि एयरटेल ने अराउंड 200 रुपीज आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अचीव कर लिया है, तो 200 रुपया, और उसी हिसाब से जियो भी अपना रेट बढ़ाता जा रहा है, तो अल्टीमेटली आप उसी रेट पे पहुंच जाएंगे जहां से जियो ने आपको अपने पास लाया था, क्योंकि अब डुओपोली मार्केट है और ये रेट्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस रेट पे क्लाइंट को देना है। कोटक बैंक सेम के HDFC ICICI एक्सिस में से आप चुनाव कर सकते हैं। इस समय कोटक बैंक एक सोता हुआ हाथी है क्योंकि इनको चिंता है कि अगर इनका मेन प्रमोटर को अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता तो कहीं बैंक को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है बिकॉज जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें सक्सेशन प्लान ऑलवेज इन प्लेस रहता है, और अगर RBI ऐसी गाइडलाइंस ना बनाए तो राणा कपूर जैसे आदमी ने येस बैंक जो कि एक बहुत ही अच्छा बैंक था उसको डुबो दिया, तो ये गाइडलाइंस RBI की हैं एंड दे हैव टू फॉलो इट, तो उससे सक्सेशन प्लानिंग में चिंता करने की बात नहीं होती, क्योंकि जब ICICI से मिस्टर कामत मूव आउट हुए थे तब भी चिंता थी कि बैंक का क्या होगा, और सिमिलरली HDFC से मिस्टर दीपक पारेख जी, तो ये सब चिंताएं एक आदमी के पीछे ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता, देर आर सो मैनी पीपल इन्वॉल्व इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई मशीन चलती है उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में और भी आदमी होते हैं जो कि वही काम कर सकते हैं जो टॉप बॉस कर रहा है, सिर्फ ये परसेप्शन का ही फर्क होता है, एंड ऑब्वियसली दीज पीपल आर स्टिल अवेलेबल फॉर द गाइडेंस ऑफ द कंपनी। तो आप चाहें तो इसको भी छोड़ सकते हैं, एक्सिस को भी छोड़ सकते हैं, यूनिलीवर छोड़ सकते हैं, इंफोसिस छोड़ सकते हैं, SBI लाइफ। क्रेडिट कार्ड में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो SBI लाइफ जो कि क्रेडिट कार्ड्स के अंदर है मे और मे नॉट बी एबल टू बीट द गिवन CAGR क्योंकि कॉम्पिटिशन इसमें बहुत ज्यादा है। पावर ग्रिड हमें अच्छा लगता है, हमारे पास पहले होता था जिसको, क्योंकि ये काफी अच्छा डिविडेंड भी देता है, हमने इसके लिए एक स्ट्रेटेजी भी बनाया था, बीच में ये 170 के पास जाता था फिर 210 के पास आता था, तो वी यूज टू बाय नियर 170 सेल नियर 210, अब इसने 210 का आंकड़ा तोड़ करके ये ऊपर की तरफ चला गया है। एंड लास्ट है मैक्स हेल्थ केयर, तो देयर आर बेटर प्लेयर्स इन हेल्थ केयर, आप इसको भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये वाला पावर ग्रिड अगर आपने लेना है तो ये वाला स्टॉक आप सिर्फ डिविडेंड पर्सपेक्टिव से अपने पास रख सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट कंट्रोल स्टॉक्स के अंदर गवर्नमेंट उनको डिविडेंड के लिए निचोड़ लेती है और कई बार उनसे ज्यादा भी कॉर्पस ले लेती है, तो इनके पास ग्रोथ के लिए पैसा कम रहता है, तो इसीलिए हमें गवर्नमेंट कंट्रोल स्टॉक्स उतने ज्यादा पसंद नहीं है एज कंपेयर टू द स्टॉक्स जो कि प्राइवेटली प्रोफेशनल मैनेज कंपनीज हैं जो कि अच्छे मैनेजमेंट के साथ चल रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो कौन से स्टॉक्स ले सकते हैं, और अगर फिर भी आप बेटर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को ले सकते हैं। नेक्स्ट इंट्राडे में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वी आर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन द बैंक निफ्टी ऑप्शन, एंड निफ्टी ऑप्शन हमारा रोजाना का बैंक निफ्टी ऑप्शन का कॉल होता है अराउंड 9:15 to 10:15 तक, इतना समय दीजिए और आप अच्छा मुनाफा घर ले जा सकते हैं, कैपिटल भी छोटा ही है, 10,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई बोलेगा इतने छोटे कैपिटल से क्या मुनाफा होगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन गिव्स नॉन लीनियर रिटर्न, जिसका मतलब है कि कैपिटल एम्प्लॉयड स्मॉल है और रिटर्न्स लार्ज हैं, तो आप अगर चाहें तो इस पोर्टफोलियो का इस इंट्राडे ट्रेडिंग में फायदा उठा सकते हैं। अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है, बॉस इज कीपिंग यू बिजी, मॉर्निंग कॉन्फ्रेंसेस और ट्रैवलिंग, आप आफ्टरनून सेशन का फायदा उठा सकते हैं निफ्टी ऑप्शन का, और ये कॉल्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं तो इनमें कोई टाइम डिले भी नहीं होता, और आफ्टरनून सेशन में निफ्टी भी 10,000 कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। हमारे सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो हैं जो बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन दोनों ट्रेड करते हैं, सेम कैपिटल मॉर्निंग में इंप्लॉय करते हैं और सेम कैपिटल आफ्टरनून में। हमारे क्लाइंट्स से सुनिए वो हमारे सर्विस के बारे में क्या बोलते हैं। हाय, आई एम विक्रम फ्रॉम मुंबई,
and I've been using indianshareTips.com services for over a month now. I've been using their bank Nifty option services as well as their Nifty option services. And I must tell you, I'm superbly impressed by them. They're extremely professional people. And the good news is you will turn profitable every month if you follow the instructions to the T. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life. And I hope you guys also do the same. Thank you so much. हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं और क्यों जुड़ना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बनता है, आप जरूर कीजिए, ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड वी विल आंसर दैट क्वेरी। और आप यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करके हमारे सबसे अच्छे प्लान्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। पिक अप द फोन, स्पीक टू अस एंड आवर टीम विल गाइड यू हाउ टू प्रोसीड अहेड एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। गो थ्रू द डिस्क्लेमर एंड लुक फॉर एन एसोसिएशन। हैप्पी इन्वेस्टिंग।